झांसी में मऊरानीपुर थाना क्षेत्र की पुलिस की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 13 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने गांजा लाने के आरोप में भूपेंद्र सोनाकिया और अंकित तिवारी को गिरफ्तार किया है। यह दोनों तस्कर मऊरानीपुर के मोहल्ला पुरानी बैलाई के रहने वाले हैं। मऊरानीपुर क्षेत्र के एक खनियन चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस को एक बाइक पर सवार दो लोग आते दिखाई दिए। जब उन्हें पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो पुलिस को देखकर भागने लगे। घेराबंदी करके पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर तस्करों के कब्जे से 13 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार गांजा तस्कर टीकमगढ़ से अवैध गांजा छिपाकर झांसी के मऊरानीपुर में लाए थे और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई देने जा रहे थे। पुलिस गांजा तस्करों के और अन्य साथियों का पता लगाने में जुटी है। ये थाना मऊरानीपुर में खदियान चौराहा है जहाँ हमारी टीम चेकिंग कर रही थी। टीकमगढ़ से एक बाइक आ रही थी जिसमें दो लोग सवार थे। दौराने चेकिंग अचानक उन्होंने भागने का प्रयास किया और जब उनको पकड़ा तो और चेकिंग की गई उनके पास से लगभग 13 केजी गांजा बरामद हुआ है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर तुरंत क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बगल में सब्सक्राइब का भी बटन है, कृपया सब्सक्राइब पर ज़रूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने का मौका पाएं।